बिरजू महाराज इन द शो. सो आर यू नर्वस? व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स यू हैव राइट नाउ? Well, first of all, I'm very honored to be dancing with him because I consider him as my guru and the ultimate in Kathak dancing, the classical Kathak dancing. And he has choreographed for me before, so I have danced under his instructions, but I've never danced with him. This will be the first time ever. And of course, it gives me butterflies in my stomach, and I'm, very afraid, and I don't know whether I will be able to match steps with him. But I'm also very honored, and I think it'll be something that I will treasure all my life. I'm a very good dancer. Why did I begin so late? I'm a late bloomer. In every which way. No, dancing is not my core strength at all. I'm Punjabi. All Punjabis dance. So it comes with the territory of being Punjabi. We have spoken to a few cricketers and hopefully one of them will agree and hopefully one of them will be on the show. आज तक लोगों के साथ साथ मैंने खुद भी अपने आप को सिर्फ भोजपुरी के चार ठुमके करते हुए देखे हैं. अब यहाँ स्टेज पर मैं अलग डांस फॉर्म भी करते हुए खुद को देखना चाहती हूँ. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, एंड आई होप जब मैं इससे बाहर जाऊँ तो मैं कह सकूँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है. एंड आई होप आई वांट टू ब्रेक दैट रूटीन. माधुरी जी का एक करना चाहूंगी, धक धक का एक गाना है जिसमें उन्होंने एक स्टेप किया था पीछे से ऐसे करके. बचपन से लेकर आज तक मैं वो स्टेप ट्राई करती आई हूँ, आज तक नहीं हुआ है. आई होप झलक भी हो जाए. मुझे भी शुरुआत में कुछ ऐसा भी लग रहा था कि हम गाना गाते हैं, क्रेडिट उनको मिलता है, लेकिन जब उनकी काम देखते हैं स्क्रीन पर और जिस तरह से मेहनत करके उस गाने को वो पिक्चराइज करते हैं, डांस करते हैं उस पर, फिर पता चलता है हमारी मेहनत हार्डली 10% है उसकी. और उस हिसाब से अगर उस गाने को हम फला एक्टर या एक्ट्रेस की कहें तो आप वो कह भी सकते हैं, क्योंकि सिंगर हम लोग 1-2-3 घंटे एट द मोस्ट. और उसी एक गाने को आई एम श्योर माधुरी विल टेल यू, कुछ गाने हैं जो 3-4 दिनों तक कहाँ बर्फीले मौसम में क्या क्या करके उन्हें शूट करते हैं वो. तो आई थिंक दे पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और अब जब एक एक गाने पर ही डांस करना पड़ रहा है, उसकी रिहर्सल चल रही है. मनीषा कल भी 12 बजे तक रिहर्सल चल रहा था इसी मंच पर, जो हालत हुई है. सो आई थिंक मैंने कोई अच्छा काम किया होगा कि आसानी से मुझे सिंगिंग ये काम गाना मुझे मिल गया, गॉड गिफ्टेड. वरना पता नहीं कितनी और मेहनत करनी पड़ती किसी और काम में. धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार है जिनकी डांसिंग स्टाइल सिर्फ स्टेपल की जा सकती है, सिर्फ उनके लिए हम कह सकते. सो इन दैट रिस्पेक्ट आई ट्रूली बिलीव इज द ओनली वन हु हैज लेफ्ट अ ट्रेडमार्क डांसिंग स्टेप. जो यमला पगला दीवाना वाला डांसिंग स्टेप है वो सिर्फ धर्मेंद्र साहब पे ही जाता है और जाएगा. मैं कहूंगी कि हम लोग इतने सारे स्टेप, अलग अलग स्टेप करते हैं लोगों का दिल जीतने के लिए. उन्होंने एक ही स्टेप में लोगों का दिल जीत लिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रेवरेंस ही हैज फॉर अस आल्सो. And I think he's one of the most handsome person I've ever seen on screen. Mujhe India se pyar hai. I really love being here. यार मैं फालतू अंग्रेजी में बोल रहा था. Everyone has been extremely kind to me since being here. So I'm bahut bahut excited. I don't know, it's crazy that we were both in the film together here on stage. We have a lot to do this season. We have a lot to show. वो आप सीरियल देखते हो ना, एक एपिसोड खत्म होता है फिर टू बी कंटिन्यूड आता है. ABCD वाज जस्ट द स्टार्ट एंड दिस इज टू बी कंटिन्यूड एंड आई एम श्योर वी विल फिनिश ऑन अ वेरी हाई नोट. डांसिंग मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कि डांसिंग मेरे अंदर है, मेरे खून में है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि डांसिंग नाम की खून निकाल देता है लेकिन आती नहीं है. रेमो हैज डन समथिंग स्मॉल फॉर मी व्हिच यू विल वॉच इन द ओपनिंग एपिसोड.